रियल एस्टेट के बड़े बड़े बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस देख करके आपको ये लगता होगा कि इस बिजनेस में इंटर करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए की जरूरत है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस बिजनेस में इंटर करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन ये भी बात सही है कि इस बिजनेस में आने के लिए आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट का भी इस बिजनेस में आप घुस सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस बिजनेस को किस तरह से हम जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास पटेल और आप देख रहे हैं पटेल टॉक्स। आज हम जानने वाले हैं कि प्रॉपर्टी डीलर आप कैसे बन सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो सिर्फ दो चीज का ही होता है, एक तो जो कि खाली जमीन है, जो लैंड है, और एक जो कि वहां पर कुछ उस जमीन पर कोई प्रॉपर्टी बना हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो रियल एस्टेट सिर्फ यही दो चीज में डील करता है। तो इस सिर्फ दो चीज को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है रेसिडेंशियल, जहाँ लोग रहते हैं, एक है कमर्शियल, जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होता है, एक है इंडस्ट्रियल, जहाँ फैक्ट्री या बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं, और एक होता है जो खाली जमीन होता है, जिसे प्लॉटिंग करके कंपनी या कोई उसे बेचता है। तो वो हो गया लैंड से रिलेटेड। इसमें जानते हैं कि आपके लिए इसमें स्कोप क्या है। तो एक सर्वे के मुताबिक जो भी कंपनी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, या बड़े बड़े लैंड खरीद करके उसे प्लॉटिंग करके बेचते हैं, तो कंपनी जो है सिर्फ 10 से 15% खुद ब खुद वो सेल करता है। बाकी का 80 से 85% जो सेलिंग है, जो डील है, वो किसी कोई ना कोई प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर ही कंपनी को करवाता है। तो एक तो हो गया कि आप किसी कंपनी से मिलकर के काम कर सकते हैं, या आप एक खुद इंडिपेंडेंट एज अ प्रॉपर्टी डीलर काम कर सकते हैं, यानी कि आपका कस्टमर खुद रहे और आपका जो प्रॉपर्टी ओनर है खुद रहे, आप बीच में मेडिएटर बन जाए। आप शुरुआत इसका कैसे कर सकते हैं? तो शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस कैटेगरी में काम करना है, यानी कि जो भी मैंने बताया था कि रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और लैंड, तो किस कैटेगरी में काम करना है आपको ये सबसे पहले डिसाइड करना होगा। और ये जानने के लिए आपको अपने एरिया को स्टडी करना होगा कि आपके एरिया में कौन सा कैटेगरी का मार्केट जो है सबसे ऊपर है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं, तो यहाँ पर कमर्शियल स्पेस या जो रेसिडेंशियल स्पेस है, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर आप छोटे शहरों में हैं, तो वहां पर लैंड का, जो जमीन का जो कारोबार है, वहां पर बहुत तेजी से फल फूल रहा है। तो आपको डिसाइड करना होगा, आप जिस एरिया में है उस एरिया को आप स्टडी कीजिए, किस तरह का वहां पर बिजनेस हो पाएगा। तो इसमें एज अ प्रॉपर्टी डीलर आपको करना क्या होगा? तो सपोज कि आप सिलेक्ट किए हैं कि आप लैंड में जो है, जो जमीन का खरीद बिक्री में आप मदद करेंगे, तो इसमें आपका रोल ये रहेगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी ओनर आता है आपके पास की लेकर के कि हमको ये जमीन इतना में बेचना है, तो और सेम कैटेगरी का आपको कस्टमर ढूंढना होगा कि उस जमीन ऐसा कस्टमर ढूंढना होगा कि उस जमीन को कोई खरीद ले, तो आप बीच में एज अ मेडिएटर काम करेंगे और उसी का जो कमीशन होगा, आप या तो कि एक तरफ से या दोनों तरफ से आप कमीशन चार्ज कर सकते हैं, या ये 1%, 2% से 3%, यानी कि 1 से 3% तक वैरी करता है। ये एक एक दो 3% भी अगर बीच में लेके चलते हैं, 2%, तो 2% भी ये काफी होता है एक डील के लिए, क्योंकि जो छोटा डील भी होता है वो 20-25 लाख का, 30 लाख का होता है। अगर 25-25 लाख का भी एवरेज माने, तो ये इसमें कम से कम आपको एक डील में 50 हजार, 60 हजार का सेविंग हो जाएगा, अगर एक तरफ का माने तब। अगर एक तरफ से आप 2% ले रहे हैं, एक तरफ से आप 1% ले रहे हैं, तो ये वैल्यू बढ़ भी सकता है। तो डिपेंड करता है डील के अनुसार किस तरह से आपका बात हो रहा है कस्टमर से और प्रॉपर्टी ओनर से। लेकिन जो भी आप मेडिएटर एज अ मेडिएटर काम कर रहे हैं, जो भी आपका सर्विस है, ये सर्विस आपको दो तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है
वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका आपको जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रॉपर्टीज के बारे में, आपको सारा डॉक्यूमेंट के बारे में आपको फुल जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रॉड का बहुत ही ज्यादा चांस होता है। और इसमें इस बिजनेस में वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही इसमें काम करता है। अगर आपका वर्ड ऑफ माउथ खराब हो गया तो आपका बिजनेस चौपट हो सकता है, आपका धंधा चौपट हो सकता है। इसीलिए अब इसमें ट्रस्ट जो है इसमें बनाना जरूरी है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट का जानकारी, जो भी आप खरीद फरोख कर रहे हैं, खरीद बिक्री करना चाहते हैं, उसके डॉक्यूमेंट का आपको जानकारी होना चाहिए बहुत अच्छे तरीका से। दूसरा ये चीज़ है कि आपको डील करना है ओनर से, जो प्रॉपर्टी ओनर है, और क्लाइंट यानी कि जो बायर है उससे भी आपको डील करना है, दोनों तरफ से आपको डील करना है। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है यानी कि जो बात करने का तरीका है, जो आपका डीलिंग कैपेबिलिटी है, उसको आपको डेवलप करने की जरूरत है। यानी कि आपको बात करने सही से आना चाहिए, क्योंकि इसमें छोटा भी डील एक बड़ा अमाउंट होता है। और जो भी प्रॉपर्टी खरीदता है वो एक भरोसे पर खरीदता है और उसी भरोसे के आपको वो कमीशन देता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में सब कुछ मालूम है, आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है तब तो ठीक है, अदरवाइज मेरा एक सलाह है, आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी इससे रिलेटेड, जो भी आपका आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट किए हैं उससे रिलेटेड आपके शहर में जो भी छोटा बड़ा कोई मतलब नहीं है कोई कंपनी हो, तो उसे आप 6 महीना या 1 साल के लिए ज्वाइन कर लीजिए। वहां से जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप पढ़ करके भी, कुछ वीडियोस देखकर भी नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये जो ट्रस्ट का इशू है ना, इसमें आपको फिट बैठना पड़ेगा अपने कस्टमर के लिए। तो आप किसी कंपनी के साथ काम करेंगे तो वहां से आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरह से कस्टमर डील करना है, कौन सा प्रॉपर्टी का कितना तक प्राइस होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, किस तरह से क्लाइंट से डील करना है। और उस कंपनी में रहते हुए भी आपका एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट होगा और लोग आप ही को जानेंगे, कंपनी को बाद में जानेंगे, आप फेस टू फेस मिलेंगे तो आपको लोग पहले जानेंगे। तो आपका एक सेल्फ ब्रांड भी क्रिएट होगा, जो कि आपका खुद का एज अ प्रॉपर्टी डीलर आगे जो आप बिजनेस शुरू करेंगे उसके लिए वो फायदेमंद होगा। तो आप ये सलाह मेरा मान सकते हैं। अदरवाइज आप खुद स्टार्ट करके अगर थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा और मेहनत करना चाहते हैं तो ठीक है, आप शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ने प्रॉपर्टी डीलिंग के छोटी छोटी बारीकियों के बारे में बात किया और किस तरह से आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट का आप इसे शुरू कर सकते हैं इसके बारे में बात किया। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में यानी कि सिर्फ 5 से 10 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर कैसे बन सकते हैं और किस तरह से आप अपने कस्टमर ला सकते हैं, कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं, किस तरह से प्रॉपर्टी ओनर से आप मिल सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले कि हम जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।